हेलो दोस्तों, तो आउटसोर्स से हुए भर्ती आईपीएच विभाग में तो उनके ऊपर मंडरा रहा है खतरा। तो क्या है पूरी बात और जो नई भर्तियां अभी निकली हैं और जिनका जो पेपर हुआ और सीएम बदलने के बाद, जो सरकार बदलने के बाद, क्या उन पर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें तो क्या है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री सुक्खू के पास वित्त योजना गृह समेत 5 विभाग हैं। तो आप हमारे पास जो डाटा है तो उसके अकॉर्डिंग जो जितने भी विभाग हैं आप देख सकते हैं, सुखविंदर सुक्खू जो कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर हैं और मुकेश अग्निहोत्री जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास जो हैं कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। अभी जो है नए विभाग के लिए जो मंत्री नियुक्त किए जाएंगे वह उसकी डेट जो है अभी पोस्टपोन की गई है। 16 तक इन्होंने जो है टाइम मांगा है और 16 तक जो है 16 से पहले जो विभाग होगा वो आपका सुखविंदर सुक्खू के पास फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम प्लानिंग और भी अदर जो भी डिपार्टमेंट है उसकी मिनिस्ट्री जो है हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास जो है चीफ मिनिस्टर के पास होगी। और जल शक्ति विभाग तो अभी देखा जाए तो मुकेश अग्निहोत्री जो हैं उनके पास जल शक्ति विभाग और ट्रांसपोर्ट यानी HRTC और लैंग्वेज आर्ट और कल्चर के जो विभाग अभी हैं, जब तक 16 तारीख में नियुक्ति नहीं हो जाती नए मिनिस्टरों की तब तक ये विभाग जो हैं हमारे जो हैं सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के पास रहेंगे। अब बात करते हैं जल शक्ति विभाग में क्या हुआ कि जैसे ही सरकार पलटी और नया अभी जो जल्दी से सुखविंदर सुक्खू ने जो फैसले लिए उन्होंने जो हमारी जो आपको पता ही होगा कि आउटसोर्स से जो भर्तियां बीजेपी द्वारा निकाली गई थी आईपीएच विभाग में, तो बहुत सारी भर्तियों में बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं उसमें लगे, अप्रोच से लगे या कैसे लगे मुझे नहीं मालूम, किस तरह से उनकी जो आउटसोर्सिंग से भर्ती हुई उनका मुझे नहीं मालूम। तो अभी आपको पता ही है हर साल जो है जो भी जब भी इलेक्शन आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आउटसोर्स भर्ती निकालते हैं, उनको पक्का किया जाता है, ऐसा पहले भी देखा गया है। तो अभी बात करते हैं, जैसे ही चीफ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी चीफ मिनिस्टर का जो पद था उन्होंने ग्रहण किया तो उसके बाद उन्होंने तुरंत से ये फैसला लिया कि जो लगाए गए अभ्यर्थी हैं जो उनकी जो है पेमेंट जो है रोक दी गई है। हमारे पास सिर्फ यही जानकारी है कि उनकी पेमेंट जो है रोक दी गई है। और अभी क्या जो भी आगे खबर आएगी इसके अकॉर्डिंग कि क्या खतरा मंडरा रहा है, क्या उनको फिर से बाहर निकाला जाएगा, उनको पक्का नहीं किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस चैनल के थ्रू हर रोज़ रेगुलर मिलती रहेगी। अब बात करते हैं जो हमारी जो भर्तियां थी जो कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा निकाली गई हैं और उनके जो पेपर भी एग्ज़ाम भी हो चुके हैं और रिज़ल्ट भी अभी पूरी तरह से फाइनल रिज़ल्ट भी आने को है और कुछ भर्तियां जो हैं जो भरी गई हैं उनके जो एग्ज़ाम होने को है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या बात ये है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इन पे कोई भी भर्तियां जो निकाली गई हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी और जो है जितनी भी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा भर्तियां निकाली गई हैं उन पे कोई रोक नहीं लगेगी और ना ही आने वाले टाइम पे उन पे हो सकता है कि आने वाले टाइम पे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में कुछ RNP रूल में जो है चेंजिंग लाई जाए, हो सकता है ये ऐसा पूरी जानकारी नहीं है कि होगा ही होगा, पर अभी आपको बता दिया जाए कि आगे जितनी भी भर्तियां रहेंगी पुलिस और आर्मी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास न्यूज़ आती रहेगी आपके हमारे चैनल के थ्रू आपको बता दी जाएगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे सबसे पहले और जितनी भी जॉब्स होती हैं वो उनकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।